कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन है। लॉकडाउन के पालन को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दे रहा है, लेकिन कुछ लोग लॉकडाउन के जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला फरीदाबाद जिले के वल्लभगढ़ से सामने आया है, जहां पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले टेम्पो चालक को उठक बैठक लगवा कर सबक सिखाया और पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा कि वह लॉकडाउन के दौरान दोबारा सड़क पर ऑटो लेकर दिखाई दिए तो उनका चालान काटकर उन्हें सबक सिखाया जाएगा। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस में तैनात सब इंस्पेक्टर ने कहा कि यदि किसी टेम्पो चालक को कोई सामान लेना है तो वह टेम्पो से बाहर ना निकले, और यदि टेम्पो में सवारियों को बिठाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यही है, इनको ये समझाया जा रहा है लॉकडाउन के दौरान आप ऑटो बाहर ना निकालें और सवारियों में ना चलाएं। जिसको कोई सामान सुकून लेना है ऑटो में नहीं आए, ऑटो की बजाय अपने बाइक पर या पैदल आकर अपना सामान सुकून खरीद ले जाएं। क्या इनका कोई चालान वगैरह भी किया गया है? इनको सिर्फ चालान तो नहीं किया है, बाकी इनको समझाया गया है। ये समझाया गया है कि ऑटो लॉकडाउन के दौरान आपको बाहर ना निकालें और सवारियों में ना चलाएं। तो कितने ऑटो चालक थे जो आज आपकी तरफ से जुड़े? लगभग 10-15 ऑटो चालक थे जी। इनको समझाया गया और बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान ये सवारियों में ऑटो ना चलाएं, अपने घर पर रहें। अगर इस बीच नहीं मानते ऑटो चालक तो क्या किस प्रकार की कार्रवाई जो होगी वो कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ।